नमस्कार, जय माता रानी की। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की व्रत कथा। एक राजा था, उसके रानी कोमल लांगी थी। वह फूलों के सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण रानी को रात को नींद नहीं आई, वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिये आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पे बोझ ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि ये बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझ ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज हमारे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुँचा तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के सैन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई ना खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके सैन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन सैन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक सुरख सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देगा, इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने सैन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े में एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखानों में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे ये सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, बहन हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता, इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे, 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करो, 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बाहर तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा,
उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी, उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना, उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के पास रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनियों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और सदा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सब की दशा को ठीक करे। जय दशा माता की।